किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज चंद्रशेखर चौक पर सिविल लाइन रुड़की में इकट्ठे होकर सामूहिक उपवास किया गया और केंद्र सरकार से मांग की गई कि किसानों की मांग को स्वीकार कर केंद्र सरकार किसान विरोधी तीनों कृषि बिलों को निरस्त करे। इस अवसर पर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता महक सिंह सैनी एडवोकेट ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक उपवास कर किसान आंदोलन का समर्थन किया है। वर्तमान तीनों कृषि बिल केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों एवं बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए हैं, इसीलिए सरकार किसानों की मांग एवं आवाज को अनदेखा कर रही है। जो हमारा प्रदर्शन है, ये जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं और लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने आह्वान किया आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से कि आज एक दिवसीय उपवास रख के हम किसान आंदोलन को समर्थन दें और सरकार पर दबाव बढ़ाएं, सरकार से मांग करें कि ये किसान विरोधी काला कानून रद्द किया जाए। उसी कार्यक्रम के तहत आज रुड़की क्षेत्र के तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुबह से उपवास रखा हुआ है और उपवास रख के आज हम सरकार पर इस आंदोलन, जो किसान आंदोलन है, उसके समर्थन करने के लिए यहाँ आए हैं और ये मांग करने आए हैं सरकार से कि किसानों की बात सुनी जाए और ये किसान विरोधी काला कानून जो है वो रद्द किया जाए। पार्टी किसानों के समर्थन में आज हमने जो रुड़की धरना दिया है वो है कि MSP सरकार कोई वो तय नहीं कर पा रही है किसानों के हित में, तो किसान को भटकना पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में भंडारण की जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका भंडारण का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और तैयार हो भी रहा है, तो किसान जाएगा तो जाएगा कहाँ। किसानों का दिक्कत ही यही है कि भंडारण में उसको कहाँ करे, कहाँ जाए वो, ना उसको उसका MSP मिल पा रहा है, भंडारण के क्षेत्र में भी उसके साथ दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए किसान की हालत तो वहीं की वहीं है। सरकार ने अध्यादेश तो जारी कर दिया है लेकिन समाधान कोई नहीं निकाला। जो मांगे है किसानों की अभी तक जूं की त्यूं बनी हुई है, उसमें कोई संशोधन या कोई भी उनके निर्णय हक में नहीं लिया गया है। नहीं, राज्य सरकार तो जो कह रही है कि किसान के हित में है, लेकिन किसान तो यहाँ का भी हड़ताल पे ही बैठा हुआ है, रोड पे ही बैठा हुआ है। जो हमारे UP के किसान है वो भाई भी बैठे हुए हैं। तो कहने और करने में तो बहुत अंतर है। कहना बड़ा आसान है कि भाई सब ठीक है, ये हमारा बिल जो लाए हैं वो किसानों के हित में है, पर ऐसा नहीं है। तीनों चीज को रद्द किसानों की मांग है, MSP पे और भंडारण पे और अपना ये जो है भंडारण MSP चीज। और आज अन्नदाता पीड़ित है, आज किसान को 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन आज किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आज भी गन्ना किसान गन्ना खेत में मिल में डालने के बाद 2 साल तक गन्ने के चक्कर लगाता है, तब जाकर उसे पेमेंट मिलता है। तो किसान का हर तरह से उत्पीड़न हो रहा है। हम सब किसान के साथ हैं। किसान ना हो तो इस देश की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। किसान इस देश की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है इस देश। लिहाजा हम सब का फर्ज बनता है कि आज किसानों के साथ उछल हो रहा है, ये जो काला कानून बने हैं तीनों, ये तीनों रद्द होने चाहिए। इसी के समर्थन में हाईकमान के आदेश पर हम सब लोग आज उपवास पर हैं और पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हैं और सरकार से मांग करते हैं कि बहुत लंबा हो गया, बहुत सताया जा रहा है किसानों को, अन्नदाताओं की मांग को सुना जाए और जल्द से जल्द जितनी जल्द हो सके तीनों